मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं ना कि पाकिस्तान में पानी का जखीरा खत्म होने वाला है, वो अहमकों और जाहिलों की जंगल में रहते हैं। कहने आते हैं अल्लाह अकबर कह के हम पे फट जाते हैं, तो जो मदरसों में सिखाया जाता है वो अमलन सामने नजर आ रहा है। आप लोगों ने पता क्या किया है? जहां पर भी पाकिस्तान के हक में आवाज उठती है ना, आप लोगों ने बंद किया। आप भी तो बताओ, ये डॉलर आप किस चीज के ले रहे हो? मिलियन ऑफ डॉलर तुम्हारे मुंह पे वो कलंदरी मोच रहा है कि तुम जब रिटायर होकर जाओगे तो खुदा की लानत और अवाम पाकिस्तान की लानत अब कमर पर तुम्हारा रख छोड़ दे। मर भी गया अगर मरने का गम नहीं, देख जरा मेरा हौसला, मुझको डरा सके तुझ में वो दम नहीं। सुन ले जहां मेरा फैसला, वो झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा, झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा। हाई कोर्ट ने पिछले 6 दिन से क्वाशमेंट का फैसला दबा के रखा हुआ है। हाई कोर्ट के जजेस से पूछा जाए तो कौन सी ताकत है जो इनको क्वाशमेंट का फैसला देने में मजबूर कर रही है? दुनिया के अंदर 3-3 दिन के नोटिसेस होते हैं, मुझे 10-10 दिन के नोटिसेस दिए गए, मुझे उस सेल में रखा गया जिसमें शकील अफरीदी को रखा गया। क्या मैंने पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती का दर्स नहीं दिया? इंटरनेशनल कुव्वतों का मुझ पर ये कानूनी हमला मेरे पाकिस्तानियत होने की सबसे बड़ी दलील है और मोहब्बत वतन होने का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। आपके सामने मौजूद है, किसी सियासी जमात ने मेरे ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, हालांकि जब उनके ऊपर जुल्म हुआ मैंने मजलूम समझ के उन पर आवाज़ उठाई। ये उनका जर्फ था और ये मेरा जर्फ है, ये उनके खून का जर्फ था और ये मेरे खानदानी खून का जर्फ है। जब तक मेरी रग में लहू की धार है तब तक तेरा हर बेअसर हथियार है, मना की परछाई भी हुई है जुदा मगर मेरे साथ है। मेरा खुदा दिन के जमीर के इतने भी कम सके फिर से घोंसला, मुझको डरा सके तुझ में वो दम नहीं। सुन ले जहां मेरा फैसला, झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा, झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा, झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा, झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा। तुम 14 साल से तो जज हो और 2.5 साल से तुम चीफ जस्टिस हो। बेशर्मी की इंतहा है कि तुम जरा ये तो बताओ कि अब तक तुम कितना पैसा वापस लाए? अब तो तुम्हारी रिटायरमेंट में और रवाना होने में 4 महीने रहे, तुम क्या पैसा वापस लाओगे? जो तुम्हारे ये पीवी मालकान तुम्हें फरिश्ता बना के पेश करते हैं, सबसे बड़े टैक्स चोर ये, सैकड़ों अरब रुपए इन्होंने दबा रखे हैं।